तो स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं एक ब्लॉगर हूं, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। तो आज मैं आपको एक नया कंटेंट लेकर आया हूं, जो कि इस ट्रैक्टर के साथ है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 25 साल पुराना ट्रैक्टर महीने से रखा हुआ है ट्रैक्टर, तो हम आज इसको स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट एक बार में होता है या नहीं होता है, तो वो आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए चलते हैं। तो पहले तो इसमें रेगुलेटर है तो ये रेगुलेटर है, तो इसमें पहले पानी डालना पड़ेगा। एयर कूल नहीं होने के कारण इसमें पानी डालना पड़ेगा पहले। तो मैं पानी लेकर आया हूँ, तो पानी मैं इसमें डालूंगा पहले। तो मैं यहाँ पे बता, पास में आके दर्द मैं पानी डाल रहा हूँ ना, मुझे तो पानी तो डल गया है इसमें। एक ड्रम से भी कम पानी, मतलब इसमें 2 लीटर के पानी समझ पानी डलता है। तो अब मैं इसे स्टार्ट करूँगा। बैटरी पहले हम इसमें बैटरी चेक करेंगे, क्या है कि काफ़ी टाइम से रखा हुआ है और यहाँ पर चोरी भी बहुत होती रहती है। तो मैं बैटरी चेक करूँगा। ठीक है, बैटरी रखी है। अब मैं इसे ट्रैक्टर को स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप वीडियो देखते रहें। और मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो रेड बटन दिख रही है उस पर क्लिक कीजिए, रेड बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मैं लाता रहूँगा और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप मेरी वीडियो को वॉच कर सकें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं अब इस ट्रैक्टर को स्टार्ट करने वाला हूँ। इसका उससे पहले हमें इसका पंप देखना पड़ेगा कि इसमें डीजल आ रहा है या नहीं आ रहा। भाई इसका पंप तो फ्री है यार, तो पंप तो टाइट हो चुका है। और अब मैं ट्रैक्टर स्टार्ट करूँगा। तो ये ये ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ इस चीज़ से कि इतना पुराना ट्रैक्टर आज भी एक सेल्फ में स्टार्ट हो सकता है। तो ये ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुका है, हमें इसे पाँच मिनट के समथिंग हम इस ट्रैक्टर को स्टार्ट रखेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम में इस ट्रैक्टर को स्टार्ट किया है। तो अभी हम इस ट्रैक्टर को स्टार्ट ही रहने देंगे और देखते हैं ट्रैक्टर बंद होता है या नहीं होता। डेढ़ मंथ से बारिश में, अब बारिश का मौसम भी हो रहा है और बारिश में रखा हुआ है ट्रैक्टर। तो अभी ये स्टार्ट ही ट्रैक्टर स्टार्ट है। इसमें जो रिंग लगे हैं ये गड़े मचे रहते हैं, धान के जो गड़े रहते हैं उनकी मचाई होती है इंजन से, लगे हुए हैं धान की मचाई के बाद। रिंग अभी निकाले नहीं है बिल्कुल भी, तो लगे हुए हैं दोनों रिंग लगे हुए हैं उस साइड के भी इस साइड के। तो रिंग लगा ऐसा ही रखा था ट्रैक्टर में। ये क्या है कि मचाई के दौरान, एक और वीडियो अभी मैंने 2-3 दिन पहले डाली थी जब मैंने इस ट्रैक्टर को स्टार्ट किया था, तो ये ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि इसकी बैटरी जो थी, बैटरी के डिस्चार्ज थी इसकी,
अभी ये ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हुआ था, तो आप दो वीडियो पहले भी डली हुई हैं इस ट्रैक्टर की, तो आप पहले वो वॉच कीजिए, उसके बाद उसके ये न्यू वीडियो वॉच कीजिए। तो ट्रैक्टर अभी भी झटका ले रहा है, थोड़ा थोड़ा झटका ले रहा है, मतलब पूरी तरीके से काम नहीं हो रहा है। अभी हम ट्रैक्टर को स्टार्ट ही रखेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद इस ट्रैक्टर को स्टार्ट किया है। ट्रैक्टर को थोड़ा आगे पीछे करके रखते हैं और इसके बाद हम लोग उसी जगह पे इसको बंद कर देंगे ट्रैक्टर को। तो अभी ट्रैक्टर तो स्टार्ट हो चुका है और हमने इसको बंद भी कर दिया, इसमें ये 1.5 महीने से रखा हुआ है, इसमें ब्रेक नहीं आ रहे हैं, इसलिए अभी आपने देखा था कि आगे जाके रुका था। तो ट्रैक्टर तो स्टार्ट हो चुका है और इसे बंद भी कर दिया है हमने और इसकी जगह पे रख दिया है। तो वीडियो वॉच करने के बाद जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी वो पहले वाली वीडियो जाकर देखिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा और आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो नोटिफिकेशन ऑन कीजिए।